नोजल फ्लो एनालिसिस पे अगला टॉपिक है नोजल फ्लो एनालिसिस। प्लीज स्टीम फ्लो फ्रॉम नोजल में वेलोसिटी फाइंड आउट कर चुके तो ये हम लोगों का क्या है नेक्स्ट टॉपिक। फिर से हम लोगों ने क्या किया, ये नोजल ले लिया, ये हम लोगों की इनलेट कंडीशन, ये हम लोगों की आउटलेट। इनिशियल वेलोसिटी वी1, फाइनल वेलोसिटी वी2, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, हीट जीरो, वर्क डन एक्सपेंशन के कारण ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन या मास कंजर्वेशन इक्वेशन कितना होता है, रो ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम लोगों ने क्या किया, लॉग ले लिया दोनों, टेकन लॉग बोथ साइड, तो ये कितना हो गया एल एन रो प्लस एल एन ए प्लस एल एन वी इक्वल टू एल एन कॉन्स्टेंट। ठीक, अब क्या किया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, ऑन डिफ्रेंशिएशन ये कितना हो जाएगा, डी रो अपॉन रो प्लस डी ए अपॉन ए प्लस डी वी अपॉन वी इक्वल टू जीरो। इसी इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे तो ये आ जाएगी डी ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन रो माइनस डी वी अपॉन वी। इसको मान लिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर वन। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत भी आगे पड़ेगी, जिन जिन इक्वेशन की हम लोगों को नीड पड़ेगी वो हम लोग साइड में यहाँ पे लिखते रहेंगे। ये कितनी थी, डी ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन रो माइनस डी वी अपॉन वी, इसे इक्वेशन नंबर। ठीक, ये हो गया इक्वेशन वन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वेलोसिटी की इक्वेशन में किया था वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, सेम चीज यहाँ पर ये अप्लाई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ये कितनी होती है, डी क्यू इक्वल टू डी एच प्लस डी डब्ल्यू प्लस डी पी पोटेंशियल एनर्जी प्लस डी के, ये जीरो होगी, डी डब्ल्यू जीरो होगा, डी क्यू हम लोगों को क्या होगा जीरो। तो यहाँ से हम लोगों को कितना मिला, डी एच प्लस डी के ई इक्वल टू जीरो। इसी को हम लोगों ने क्या किया और आगे इसको सॉल्व किया, तो ये हो गया डी एच प्लस डी काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को हाफ एम बी स्क्वायर होती है, स्पेसिफिक क्वांटिटी ले रहे हैं तो कितनी होगी, बी स्क्वायर बाई टू। इसी क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करके लिखा तो ये आ जाएगी प्लस टू बी इंटू डी वी अपॉन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इक्वेशन हमें क्या मिल गई, डी एच इक्वल टू माइनस बी इंटू डी वी, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इस इक्वेशन को भी यहाँ पर लिख लेंगे डी एच इक्वल टू माइनस बी इंटू डी वी इक्वेशन नंबर टू। ठीक, अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी हम लोगों की इंटरनल एनर्जी प्रेशर और वॉल्यूम का क्या होती है, वॉल्यूम का फंक्शन होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखें तो एंथैल्पी पर टू कितना होता है, डी यू प्लस पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी। इसे मान लिया थोड़ी देर के लिए इक्वेशन हम लोगों की कितनी होगी के। ठीक, अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि डी क्यू इक्वल टू कितना होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। इसी को अगर हम लोग लिखें तो ये कितना आ जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। अब एंट्रोपी से हम लोग ये जानते हैं कि डी एस इक्वल टू कितना होता है, डी क्यू बाई टी, मतलब कि डी क्यू इक्वल टू टी इंटू ds, तो dq की जगह कितना हो जाएगा, t इंटू ds इक्वल टू कितना हो जाएगा,
du plus p dv, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो इंथैल्पी की वैल्यू आ गई dh इक्वल टू tds प्लस vdp। ठीक है, अब नोजल केस में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो सीधी सी बात है कि एंट्रोपी हम लोगों की क्या होगी, जीरो। तो जब एंट्रोपी जीरो होगी तो ये कितना हो जाएगा dh इक्वल टू v इंटू dp, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर ये आ गया डी एच इक्वल टू वी इंटू डी पी। अब ये जो हम लोगों का वॉल्यूम है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, मतलब छोटा। वेलोसिटी को हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे हम लोग स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल वी से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 इन दोनों से एंथैल्पी को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक, तो एंथैल्पी को एलिमिनेट करने से पहले हम लोग अपने इक्वेशन नंबर 3 को चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी एच इक्वल टू स्मॉल वी वॉल्यूम इंटू डी टी। ठीक, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने देखा भी था कि मास कितना होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करेंगे तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/डेंसिटी। इसी इक्वेशन को चाहे तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1/ρ इनटू dp, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये आ गया हम लोगों की इक्वेशन dh इक्वल टू 1/ρ इनटू dp, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से इंथैल्पी को एलिमिनेट करते हैं। तो जब हम लोग इंथैल्पी को एलिमिनेट करेंगे तो ये आ गई 1/ρ इंटू डी पी इक्वल टू माइनस का वी इंटू डी पी। ठीक है, इसको हम लोगों ने और आगे सॉल्व किया तो ये कितना हो गया डी पी इक्वल टू माइनस रो वी इंटू डी पी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो डी पी इक्वल टू हो गया माइनस का रो वी डी वी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर 5 से डी वी की वैल्यू। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ डी वी from equation 5 in equation 1, मतलब इस इक्वेशन से dv की वैल्यू उठाएंगे जो कि आ जाएगी हम लोगों की dv इक्वल टू माइनस का dp अपॉन rho इंटू v, v वेलोसिटी। इस dv को उठा करके हम लोग कहां पर रखेंगे, अपनी इस इक्वेशन नंबर 1। तो ये इक्वेशन आ जाएगी dA अपॉन A इक्वल टू माइनस का डी रो अपॉन रो, और ये आ जाएगा माइनस डी वी की वैल्यू हम लोगों ने ये रखी माइनस माइनस प्लस डी पी अपॉन रो वी स्क्वायर। ठीक, अब इस इक्वेशन को हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा और आगे सॉल्व किया कि डी ए अपॉन ए इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से डी पी अपॉन रो वी स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन, डी पी अपॉन रो वी स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ये जो हम लोगों का बचेगा वो ये हो जाएगा 1 माइनस डी रो अपॉन डी पी इंटू वी स्क्वायर। ठीक, ठीक, ओके। अब कल हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक, वेलोसिटी ऑफ साउंड वी एस इक्वल टू हम लोगों की कितनी होती है, अंडर रूट डी पी अपॉन डी रो, मतलब कि डी पी अपॉन डी रो की वैल्यू कितनी होगी, वी एस स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ साउंड स्क्वायर। तो अब तो यहां पर क्या करेंगे, डी रो अपॉन डी पी की जगह कितना हो जाएगा, वी एस स्क्वायर। तो ये हम लोगों का आ गया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया डी ए अपॉन ए इक्वल टू
डीपी अपॉन रो वी स्क्वायर वन माइनस वेलोसिटी अपॉन साउंड वेलोसिटी ठीक। अब हम लोग जानते हैं एक टर्म होता है मैक नंबर जो कि फ्लूड मैकेनिक्स में लास्ट सेम में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी टू साउंड वेलोसिटी, मतलब कि एम इक्वल टू वी अपॉन वी एस। तो यहां से m की वैल्यू उठा करके हम लोग यहां पर रख देंगे तो ये कितना हो गया डी ए अपॉन ए इक्वल टू डी पी अपॉन रो बी स्क्वायर वन माइनस एन स्क्वायर वन माइनस एन स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन को चाहे तो हम लोग अलग अलग टर्म में लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम लोग अगर जी अरेंज करें तो वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं जो कि होगी dv अपॉन v स्क्वायर और ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ओके। अब इसी क्वेश्चन को चाहे तो हम लोग साउंड वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं जो कि होगा dA अपॉन a इक्वल टू dv अपॉन vs स्क्वायर वन माइनस n स्क्वायर। तो इन तीनों में से कोई भी डेरिवेशन पूछा जा सकता है, इन तीनों में से कोई भी डेरिवेशन पूछा जा सकता है ठीक। तो ये हो गया सेकंड। अब यहीं पे अगर हम लोग देखें थोड़ी देर अपने हम कोई भी इक्वेशन यहां से ले लें, मान लो हम लोगों ने इक्वेशन ले ली डी अपॉन ए इक्वल टू डी पी अपॉन रो बी स्क्वायर वन माइनस एम ठीक। अगर हम लोग अपने इस इक्वेशन पर देखें तो अगर m की वैल्यू 1 से कम होगी तो जो हम लोगों का फ्लो होगा ये होगा हम लोगों का सबसोनिक फ्लो ठीक। सबसोनिक फ्लो मतलब कि dv अपॉन v की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो और जो एरिया है dA upon A ये हम लोगों को क्या करेगा डिक्रीज करेगा ठीक। तो ये कंडीशन होगी नोजल के केस। लेकिन अगर यहीं पर डिफ्यूजर है तो हम लोगों की वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज करेगी और एरिया हम लोगों की क्या होगी इंक्रीज करेगी ठीक। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अब जो फ्लो होगा ये हम लोगों का क्या होगा सुपरसोनिक फ्लो, मतलब नोजल पे जो एरिया होगा जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो होगा डाइवर्जेंट टाइप और जो डिफ्यूजर है इसका जो एरिया होगा वो होगा कन्वर्जेंट टाइप। तो अगर हम लोग यहाँ पर कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल बनाए ये हो गया हम लोगों का ट्रॉट मिनिमम एरिया, ये पोर्शन हो गया कन्वर्जेंट और ये पोर्शन हो गया डाइवर्जेंट ठीक। मतलब यहां पर जो m की वैल्यू होगी वो m 1 से कम, इस पॉइंट पर m की वैल्यू 1 होगी और यहां पर m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। दिस मीन्स दैट ये जो पॉइंट है ये पोर्शन हो गया सब सोनिक और ये पोर्शन हो गया हम लोगों का सुपर सोनिक। तो ये हो गया हम लोगों की नोजल फ्लो एनालिसिस। अब लास्ट टॉपिक इसका बचता है डिस्चार्ज थ्रू नोजल।